भारत माता की भारत माता की भारत माता की आज सिमना विधानसभा में आयोजित ये सुनाई सभा में हमारे मंच पे उपस्थित इसी क्षेत्र की लोकप्रिय नेता युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परम आदरणीय विनोद देवर्मा जी हमारे असम प्रदेश की महामंत्री तेजपुर लोकसभा क्षेत्र की हमारे लोकप्रिय सांसद पल्लव भूषण दास जी सिमना मंडल के सभापति जुगेंद्र देव वर्मा जी और जनजाति मरसा की प्रदेश की उपसभापति मंगल देव वर्मा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश की कार्यकर्ता ऋषभ सिपानी जी और इस सभा में भारी मात्रा में आज उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों और पत्रकार बंधु और भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता बंधुगण, सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और अपने बात को शुरू करने के पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। यहां की जो हमारे प्रिय भाषा है टकुक टाए बुखुक संग जोटो नौ खुलम खा नौ जोटो बहाय टोंग अंग तिनी सिमना ओ पाय बेलाय खा बाय टोंग ठुक जंग। ये बहुत खूबसूरत भाषा है और आप सबको मालूम है कि अपने देश के अंदर अलग अलग वर्गों की संप्रदाय की जो भी
मातृभाषा है। इस मातृभाषा को अगर हम सब सीखने के लिए कोशिश करें तो हम निश्चित रूप से इस देश की शक्ति को हम सही उपलब्धि कर सकते हैं। देश हमारा हिंदुस्तान कितना महान है, कितना खूबसूरत है, इससे हमें निश्चित रूप से सही पता चलेगा और हमारी उपलब्धि भी बढ़ेगा। आज इस सभा में आप लोगों ने निश्चित रूप से उपस्थित होकर आप प्रतिबद्ध हुए हैं कि अगली जो चुनाव त्रिपुरा में होने जा रहा है विधानसभा की, इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार बड़े काबिल युवा नेता विनोद देवर्मा को कमल की जो हमारे चिन्ह है इसमें जनता वोट देकर उनको भारी वोटों से जिताएंगे। इसके लिए हमें निश्चित रूप से इसी विधानसभा क्षेत्र में बसे हुए परम आदरणीय सभी भाइयों बहनों को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी ने देश का कार्यभार संभाला तब से देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, कश्मीर लद्दाख, कारगिल से कन्याकुमारी तक देश के हर प्रांत को विकास के रास्ते पर तेज से ले जाने का मोदी जी ने काम किया और इसी का साथ साथ देश के अलग अलग प्रांतों का जैसे विकास हुई उसी हिसाब से हमारे नॉर्थ ईस्ट की सारे प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा है त्रिपुरा हो या सिक्किम, मिजोरम हो या मणिपुर, नागालैंड हो या मेघालय, अरुणाचल प्रदेश हो या आसाम, ये 8 प्रदेश का पिछले 9 साल के अंदर जो प्रगति हुई है इससे साफ जाहिर है कि पिछले 7 साल कांग्रेस और अलग अलग सीपीएम लेफ्टिस्ट इन लोगों ने देश चलाने का काम किया था। उन लोगों का कार्यकाल में हमारे लिए देश के अंदर कोई जगह नहीं था, ना कांग्रेस ना सीपीएम, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को कभी भी इज्जत नहीं देते थे, कभी भी मान्यता नहीं देते थे। इसके कारण हमको बहुत पीछे रहना पड़ा, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस नीति के आधारित सबको एकत्रित किया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी मंत्रों की द्वारा सबको शक्तिशाली बनाने का काम किया है। और आज आपने देखा है एक त्रिपुरा जो प्रदेश कांग्रेस और सीपीएम ने कई साल तक अंधेरा में जबरदस्त उसको बंदी करके रखा था, उनके कार्यकाल में विकास के बदले घोटाला, विकास के बदले आतंकवादी, विकास के बदले ड्रग्स, विकास के बदले बम, ऐसे ही त्रिपुरा जैसा इतना खूबसूरत प्रदेश को जबरदस्त उन्होंने अंधेरा में रखने का काम किया था, त्रिपुरा की जनता के ऊपर नाइंसाफी किया था। इसलिए त्रिपुरा की जनता ने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो आदर्श बने उनके नेतृत्व को और उन्होंने देश के सभी प्रांतों को साथ लेने का काम करने का जो उन्होंने रास्ता अपनाया, नीति अपनाया, इसके वजह से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा प्रदेश संभालने का त्रिपुरा की जनता ने दायित्व भार दी और पिछले 5 साल के अंदर आपने खुद देखे हैं त्रिपुरा के हर जिले में, हर गांव में जनता को जो इंसाफ मिला, जो मदद मिला अलग अलग कार्यक्रम के जरिए, आज त्रिपुरा
सिर्फ देश के अंदर नहीं, विश्व में त्रिपुरा को आज दुनिया जानने लगा है। सब लोगों ने आज त्रिपुरा को पहचानता है। आज त्रिपुरा सिर्फ देश के अंदर बाजार बनाने का शक्ति नहीं दिखाया, दुनिया के बाजार में विशेष रूप से उनका प्रभाव विस्तार करने में शक्ति हासिल की है। इसलिए आज त्रिपुरा जाग उठा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा था त्रिपुरा को हम हीरा देंगे और इस हीरा हकीकत में दिया है। हीरा का मतलब क्या है? एस पर हाईवे। आपने देखा है सीपीएम ने और कांग्रेस ने कम से कम 40-45 साल तक उन्होंने राज किया, लेकिन कभी भी उन्होंने यहाँ हाईवे बनाने का काम नहीं किया। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर बीजेपी शासन काल में शेष है नेशनल हाईवे बनने लगा और हजारों किलोमीटर तक प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना बनने लगा, जिससे हमारे त्रिपुरा में बचे हुए हर गांव की जनता को मदद मिला और जनता का अपनी शक्ति बढ़ाने का उनको भी बड़े एक अवसर मिला। इसलिए मैं मानता हूं, महिला हो या पुरुष हो, युवा हो या वरिष्ठ हमारे नागरिक हो या दिव्यांग हो, किसान हो, मजदूर हो, सब लोगों को माननीय मोदी जी ने जैसे उन्होंने मान्यता दी, इसके वजह से उनके विकास के लिए अलग अलग कार्यक्रम बने। इस कार्यक्रम को आज सही लागू करने के वजह से आप लोगों ने खुद देखी है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बदलाव 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 आपने खुद देखी है। तो इसलिए मैं मानता हूं त्रिपुरा में बचे हुए जनता को फिर से त्रिपुरा के विकास के लिए, शांति के लिए आप लोगों को निर्णय लेना ही होगा। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, ये राजनीति नहीं करते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं और उसको निभाते हैं। जो वादा परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया था वो वादा हकीकत में उन्होंने निभाया है। भक्ति भावनाओं से, निष्ठापूर्वक अपने मेहनत से उन्होंने आज देश को दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र के हिसाब से पहचान बनाने का काम किया है। तो इसलिए मैं मानता हूं परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने काल भी आप लोगों को बोल के गए, आह्वान करके गए, ये त्रिपुरा को अगले दिनों में किस स्तर पर ले जाने का हमारे बीच में सपना है। इस सपना को साकार करने के लिए आप लोगों को मदद करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को ही आप लोगों ने अगली सत्ता में बैठाना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगा तो त्रिपुरा की ट्राइबल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, चाहे मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, हमारे विद्यार्थी हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, सभी वर्गों को आए जज से आप लोगों को जीने का एक बड़ा हमेशा माहौल मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों को जो भी आज तक मदद की गई है, अगले दिनों में इसका दोगुना करने के लिए भी मोदी जी ने लक्ष्य तय किए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आपकी इस इलाका में बसे हुए सभी जनता से मेरा यही प्रार्थना है, आप लोग इस विकास के रास्ते पर जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों को नई पीढ़ियों को देखना होगा, अपने बच्चों की जिंदगी को बड़े समृद्धिशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए निश्चित रूप से हमें शांति और विकास चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। आपने देखा है किसानों के लिए कैसे पीएम किसान निधि के द्वारा कैसे किसानों को मदद किया गया है, किसानों के अलग अलग कार्यक्रम बनाया गया है, किसान सम्मान निधि हो, फसल योजना हो, पीएम किसान हो, सारी योजना के जरिए आज किसानों को मजबूत किया गया है, उनकी उपार्जन दुगुना बनाने के लिए संभव किया है। साथ साथ में महिला को भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगले दिनों में बढ़ावा देने के लिए इस बजट में भी बहुत बड़ा व्यवस्था रखी है और आप लोगों को अगले दिनों में और भी सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा।
आपकी रॉ मेटेरियल से लेकर आपके मार्केट गारंटी, यानी कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे परम आदरणीय महिला बहन जो उत्पादित उत्पादन करेंगे, आपके हाथों से बनाए हुए सामान को मार्केट पे सही भाव मिले, इसका भी व्यवस्था सरकार ने करने का निर्णय किया है। इसलिए मैं चाहता हूं हमारे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, हमारे बुजुर्गों के लिए जो भी आज यहां आप लोगों को 2000 तक उनको जो भी मिलता है, ऐसे ही हर वर्गों के लिए जो भी हमारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा आगे बढ़े और देश के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के हिसाब से अपना पहचान बनाए। आप तैयार है ना? तैयार है? तैयार है? त्रिपुरा को हिंदुस्तान के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के हिसाब से खड़ा करना होगा। तैयार है? तैयार है? देखिए, ये कांग्रेस और सीपीएम, इन लोगों को त्रिपुरा की जनता ने कितने लंबे समय तक मौका दिया, एक साल दो साल नहीं। सीपीएम ने कितना साल राज किया यहां? लगातार 35 साल, है या नहीं? है या नहीं? उसी हिसाब से कांग्रेस ने भी राज किया था। क्या किया उन लोगों ने? उनके शासनकाल को याद करिए। कांग्रेस और सीपीएम ने जब भी इस प्रदेश का कार्यभार संभाला था, उसी कालखंड में आप लोगों को क्या परिस्थिति मिला था? विकास के बदले आतंकवादियों का गतिविधियां, बंद और घोटाला। इसलिए